प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे जब उसने अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं रखा और पत्नी को छोड़ दिए, तो वो दूसरे घर की महिलाओं की क्या सम्मान करेंगे, क्या उम्मीद करेगी? बेटी का दर्द वही समझेगा जिसकी बेटी होती है, महिला का दर्द वही समझेगा जिसके घर में महिला होती है। जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है, जो पत्नी को इज्जत से घर में रखता है, जिसने पत्नी के साथ धोखा दे दिया, वो देश की महिलाओं को कैसे उसके साथ इंसाफ करेगा? देखिए, हमें कानून पर भरोसा है, पर इस सरकार के इंसाफ पर भरोसा नहीं है। ब्रिजभूषण के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, तो ये तो इनकी बेशर्मी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, न्याय कैसे मिलेगा जब सत्ता में बैठे लोग बलात्कारियों के साथ रैलियां निकालेंगे, बलात्कारियों के फेवर में रैलियां निकालेंगे, तो देश की बेटियां कहां जाएंगी? देश की बेटियां किससे इंसाफ मांगेंगी जब सत्ता में बैठे लोग समय नहीं लगता है, जो इंसाफ मांगता है उसी पर लांछन लगा दिया जाता है। सरकार से मांग कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो सबका नंबर आएगा। आज ये रेसलर बहन है, हो सकता है अगर ना बोले तो कल हमारी बहन और हम खुद इस लाइन में। स्मृति ईरानी से कहूंगी कि जरा भी अगर शर्म है, जरा भी शर्म है, तो इन बेटियों के लिए बोलिए, एक महिला होने का इज्जत और मान सम्मान रखिए। एक आप भी महिला है और आपके पास भी बेटी है, कम से कम उस बेटी और महिला होने का मान सम्मान रखिए। देश की महिलाएं और देश की बेटियां आपके तरफ देख रही हैं, ऐसा ना हो कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। इतिहास जब पढ़ा जाए, आने वाला जनरेशन, तो काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब हमें समझने में गलती हो गई। बेटी किससे बचाओ? इनके एमपी से बचाओ, बीजेपी के एमपी से बेटी को बचाओ, बीजेपी के रेपिस्ट से बेटियों को बचाओ, बीजेपी के मिनिस्टर से बेटी को बचाओ। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह ये रेसलर बहने, जो देश का मान सम्मान ऊंचा करती है, जो देश के लिए खेलती है, आज वो भी इंसाफ के लिए तरस रही है और जंतर मंतर पर बैठी हुई है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये ऐसी पावरफुल महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि जो आम लोग हैं, जो आम बच्चियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, जो कमजोर परिवार से है, उन्हें क्या इंसाफ मिलेगा अगर उनके साथ कुछ हो तो? ये सोचने का विषय है कि जब ऐसी मजबूत महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कमजोर लोगों के घर में अगर बच्चियों के साथ कुछ हो तो उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? ये सरकार निकम्मी, निष्ठुर, अंधी बैठी पड़ी है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। चाहे देश में किसी पर भी जुल्म हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब ढोंग है, जुमला है। सरकार सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रही है और सत्ता में बने रहना चाहती जा रहा है कि आंदोलन जीवी हाईजैक कर लिया धरने को। अरे भैया, आंदोलन जीवी कैसे हो गए? यही बहने तो थी। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या बोली, बताने की जरूरत नहीं है। जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या बोली, बताने की जरूरत नहीं है। मैं देशवासियों से बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आज ना खड़े हुए ना, एक एक करके सबका नंबर आएगा। हम 2-3 साल से यही बोलते आ रहे हैं, एक एक करके सबका नंबर आएगा, और यही जंतर मंतर से बोले थे, और आज ये जंतर मंतर गवाह है कि देखिए नंबर सभी का आ रहा है। जो जो चुप रहा और तमाशे देखा और सरकार की गलत नीतियों का समर्थन किया, उसके साथ भी वो कैची में फंस गया। तो प्रधानमंत्री है जी, बिल्कुल, क्योंकि चुप है, क्योंकि इंसाफ उन्हें करना ही नहीं है, इंसाफ का की कोई उम्मीद ही नहीं है, सिर्फ ढोंग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला है। मनीषा वाल्मीकि जब हाथरस की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था और आधे रात में उसके शव को जला दिया गया था, उस समय भी बहुत कोई तमाशा देख रहा था, उन बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाया। जिस समय मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सरकार से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि हाथरस में मीडिया को जाना क्यों मना है, हाथरस की बेटी को आधे रात में क्यों जलाया गया। ये सरकार जो महिलाओं के सम्मान के नाम पर सिर्फ धोखा है, जुमला है, सम्मान करना जानती ही नहीं है। और मैं एक
शब्द और बोलना चाहूंगी, थोड़ा कड़वा है। जब प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे जब उसने अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं रखा और पत्नी को छोड़ दिए, तो वो दूसरे घर की महिलाओं की क्या सम्मान करेंगे, क्या उम्मीद करेगी? बेटी का दर्द वही समझेगा जिसकी बेटी होती है, महिला का दर्द वही समझेगा जिसके घर में महिला होती है, जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है, जो पत्नी को इज्जत से घर में रखता है। जिसने पत्नी के साथ धोखा दे दिया वो देश की महिलाओं को कैसे उसके साथ इंसाफ करेगा? देश की महिला कैसे उम्मीद कर सकती है ऐसे आदमी से? मैंने पोस्को एक लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए यही तो खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, आज जो हम बोल रहे थे वो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह बेशर्मी के साथ अभी तक मंत्री बैठे में है, एमपी साहब अपने पोस्ट पर, पद पर किस तरह बैठे में है, पोस्को एक्ट लगने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिए। ये तो वही हाल हो गया जिस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों ने गुहार लगाते रहे कि जो थार गाड़ी से कुचला गया था किसानों को, उनके पिता को हटाया जाए, पर वो पोस्ट पर बने रहे। आज ये बेशर्मी है, देख लीजिए कि ब्रिजभूषण जी बने हुए हैं अभी तक और कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आंदोलन को जाटों का आंदोलन बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या है? ये जाटों का आंदोलन, देखिए हमेशा बांट दिया जाता है, कभी जाटों का आंदोलन, कभी किसानों का आंदोलन, खालिस्तानियों का आंदोलन, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले का आंदोलन। क्या बेटियों में भी तफरका है? जाटों की बेटियाँ देश की बेटियाँ नहीं है? क्या बेटियों में भी फर्क है? स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही है? वो बोलेगी जब चुनाव आएगा तब बोलेगी, ड्रामे करने आएगी, खेत में जाकर गेहूं काटेगी और देश की जनता को आंखों में धूल झोंकेगी। 18 तारीख तक इंतजार करने के लिए कह रही है सबको कि आप लोग फिल्म देखिए। ऐसे ही जुमलाबाजी करके देश को भरमाया जाता है। अगर आप इंसाफ की बात करेंगे तो वो आपका ध्यान फिल्म के तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है, सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है। मुसलमान पर टारगेट कर करके मैं बोलती हूँ देश की जनता का कब तक शोषण करेंगे? एक मुसलमान को टारगेट कर करके देश की जनता का कब तक शोषण कीजिएगा? देश की जनता के आंखों में पट्टी कब तक धर्म का बांध के रखिएगा? नफरत की पट्टी कब तक बांध के रखिएगा? मैं ये बताना चाहती हूँ कि नफरत के खेती के बिना इनका एक दिन भी राजनीति में चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आम जनता के लिए दुख दर्द से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था कि हमारी बेटी जैसी है, बेटी जैसी है, लेकिन बेटी जैसी होती तो इंसाफ दिए होते। एक गैरों की भी बेटी से पड़ोस की भी बेटी का मान सम्मान होता है। ये तो अपने देश की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं, जुमला छोड़ के इनके लिए सिर्फ मैटर करता है सत्ता में बने रहना। इनके एमपी, इनके मिनिस्टर्स मैटर करते हैं, कोई बेटियां देश की मैटर नहीं करती है। मैडम ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास मुझे सारे बलात्कारी ऐसे ही बोलते हैं कि बेगुनाह हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। सारे बलात्कारी इसी तरह बोलते हैं। आपने देखा था ना लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से चढ़ने के बाद भी मंत्री महोदय को बर्खास्त नहीं की और अब तक पोस्ट पे बने हुए हैं, सभी ने देखा था। लेकिन मैडम एक और बात है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये बोलेंगे तो इस्तीफा नहीं दूंगा। तो प्रधानमंत्री बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश के जो 2014 में जो नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो तो क्या वो जुमला था? ये बेटियां नहीं है, ये वो बेटियां नहीं है जो देश का सर ऊंचा की थी? हाँ, ये वो बेटियां नहीं है जो देश का सर फक्र से ऊंचा करती हैं, देश के लिए खेलती हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं? कानून से बड़े हो गए ब्रिजभूषण, ये बताएं क्यों पोस्ट? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के हर लोग कानून से ऊपर है और कानून को ठेंगे पर रख कर चलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कानून को पॉकेट में रख लिया। देश की जनता को ये पहला केस नहीं है, कहीं भी आप देख सकते हैं 3-4 साल से इंसाफ और कानून का माहौल बन गया है। इंसाफ के नाम पर मजाक किया जा रहा है। एक और बात है, जिस तरह से आप कह रही हैं, लेकिन क्या आप बुलडोजर करना चाहती? कार्रवाई हो तो रही है, FIR हो गई है दूसरी तो तरफ। कब ब्रिजभूषण के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? मैं यही तो पूछ रही हूँ, तो कानून पर भरोसा है ना, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए लखीमपुर खीरी में भी हमने कानून पर भरोसा किया था कि इंसाफ मिलेगा, मंत्री महोदय रिजाइन करेंगे, लेकिन अब
अभी तक नहीं की है। अभी तक देखिए हमें कानून पर भरोसा है पर इस सरकार के इंसाफ पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैम कुछ लोग समर्थन में उनके रैली और सभाएं कर रहे हैं। देखिए आजकल तो ट्रेंड चल गया है ना, ये पहली बार नहीं है। आसिया का भी जब बलात्कार हुआ था तो उसके समर्थन में, बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली गई थी। वैसे ही ये देश में ट्रेंड पहली बार चल रही है 2-3 सालों से कि बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। तो ये तो इनकी बेशर्मी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, न्याय कैसे मिलेगा जब सत्ता में बैठे लोग बलात्कारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ रैलियां निकालेंगे, बलात्कारियों के फेवर में रैलियां निकालेंगे तो देश की बेटियां कहां जाएंगी? देश की बेटियां किससे इंसाफ मांगेंगी जब सत्ता में बैठे लोग, समय नहीं लगता है, जो इंसाफ मांगता है उसी पर लांछन लगा दिया जाता है। न्याय मिल पाएगा? देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन मैं देश की जनता से ये बोलना चाहती हूँ, खासकर देश की हर महिलाओं से, के आइए और अपनी रेसलर बहनों के आवाज को मजबूत कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो सबका नंबर आएगा। आज ये रेसलर बहन है, हो सकता है अगर ना बोले तो कल हमारी बहन और हम खुद इस लाइन में। तो मोदी जी की बेटी है ना विनेश फोगाट। अरे बेटी होती मोदी जी की, बेटी होती, बेटी का दर्द समझते तो ये बेटियां अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठी होती, इनको बैठने का जरूरत नहीं था। खुद लाइव कैमरे पे कहे कि विनेश मेरी बेटी है। तो मोदी जी इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इतना देर लग रहा है? अरे पहले बर्खास्त तो कीजिए, बाद में जांच होगा। मैम आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी से क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? स्मृति ईरानी से कहूंगी कि जरा भी अगर शर्म है, जरा भी शर्म है तो इन बेटियों के लिए बोलिए, एक महिला होने का इज्जत और मान सम्मान रखिए। एक आप भी महिला है और आपके पास भी बेटी है, कम से कम उस बेटी और महिला होने का मान सम्मान रखिए। देश की महिलाएं और देश की बेटियां आपके तरफ देख रही हैं, ऐसा ना हो कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। इतिहास जब पढ़ा जाए, आने वाला जनरेशन तो काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए।